नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सच न्यूज़ नेटवर्क और मैं आपके साथ बोनी। दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे पीछे हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान खड़े हैं और मैं आपको बता दूं अभी कितनी कड़ाकेदार जो है सर्दी है, ठंड है। हम लोग अपने घरों में कहीं ना कहीं रजाइयों में बैठे हुए हैं लेकिन हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं आज अभी भी आप देखिए, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ा सा वो दिखाएँगे आपको पूरा पीछे से। आप देखिए तवी के किनारे पर खड़े हैं हम लोग और ये फ्लाईओवर के पास है बिल्कुल, और इसकी पूरी ठंडी हवा यहाँ पे आती है। इवन मैं यहाँ से भी गुज़र रहा था तो इतनी ठंडी हवा यहाँ से रहती है और फिर भी इतने टफ टाइम में जो है यहाँ पे ये खड़े हुए हैं। तभी मैं इनसे पूछ रहा था कि कैसे ये जो यूनिफॉर्म पहनी है क्या ये सर्दी को रोक लेती है, उतना कैसे ये करते हैं, उन्हीं से बात करने जा रहा हूँ। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर कैसे आप मैनेज करते हैं, मतलब पहले तो मैं पूछूंगा क्या खाते हैं आप, इतनी ठंड में कैसे खड़े रह पाते हो? नहीं, ये तो एक आदत पड़ जाती है हमें, ये ड्यूटी तो करनी ही करनी है, 38 साल जो नौकरी करनी है तो उसमें कास्ट तो झेलना ही पड़ेगा सर। तो फिर भी क्या कहना चाहते हैं जो घर में बैठे लोग हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही है, हमारा तो काम है, हमारा हम गवर्नमेंट ने हमें भर्ती किया है, हमारा तो काम है, हमने ड्यूटी करनी है सर। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं मतलब कभी आपको ये मन में आता है कि यार इससे अच्छा कुछ और हम करते हैं, क्या क्या मन में आता है? अब हम बेल्ट फोर्स में जब आ गए हैं तो हमारी ये जिम्मेवारी है, तो हमने ये जिम्मेवारी जब तक हम हैं इस बेल्ट फोर्स में हमने ये निभानी है सर। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है और हैट्स ऑफ टू यू सर, बहुत अच्छी आप ड्यूटी कर रहे हैं। और कुछ और लोग भी हमारे साथ, हम उनसे भी बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? बिजू सिंह। सर क्या कहना चाहेंगे, इतनी एक तो सर्दी है सबसे पहले, फिर आप इस जगह पे खड़े हैं और पूरा रख कितना टाइम करते हैं आप? 9 घंटे ड्यूटी हमारी। तो 9 घंटे है, तो 9 घंटे एक ही जगह पे रहते हैं और साथ में एक हो ना, मतलब एक रूम में अगर ड्यूटी है आपकी कहीं बाहर है वो अलग है, ऐसे खुले में ओपन में और साथ में तवी है बिल्कुल, इससे तो और ठंडी हवा आती है, तो कैसे करते हैं? इससे भी हम 0 बॉर्डर पर रहते हैं, वहाँ से भी इससे ज़्यादा ठंड है, हम तब भी हम उसमें मतलब आदत पड़ चुकी है हमको। आदत पड़ चुकी है। हाँ। अच्छा खाने में क्या खाते हो, ऐसा कुछ स्पेशल है कि मुझे भी बताओ कुछ ऐसा नुस्खा कुछ मैं भी करूं? ना नॉर्मल खाना वाला खाना, नॉर्मल ही वाला। अच्छा नॉर्मल ही खाना खाते हो। हां जी। अच्छा ये मतलब कहीं ना कहीं फल है, मतलब आपकी ट्रेनिंग का जो टफ ट्रेनिंग लेकर आप आते हैं वो एक कारण है, यही मान लो आप ट्रेनिंग के दौरान। अच्छा यही मान ले, इस ट्रेनिंग में सिखाया जाता सब कुछ। अच्छा अभी कुछ मन में कोई ख्याल आ रहा हो, कुछ कहना हो किसी को, हमारी ऑडियंस को, जो अपने परिवार को, जो खासकर आपका परिवार है, अपनी जगह सब सुखी रहे परिवार, नहीं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? हो सकता है वो आपको अभी देख रहे हो, क्या कहना चाहेंगे उनको? ये कहना चाहूँगा आप अपनी अब मैं इससे कुछ नहीं बोलूँगा। कुछ नहीं कहना चाहते? आप कहना चाहेंगे अपने परिवार को कुछ? हमारा परिवार वाले में सर। हाँ जी, बस वो भी कोई भी मैसेज देना चाहते हो सकता है आपको देख रहे हैं वो? सारे खुशी से रहो, आनंद से रहो, सब ठीक ठाक है भगवान की दया से, हम भी बढ़िया है, देश भी सुरक्षित, हम भी सुरक्षित से। चलो बहुत बढ़िया है। अच्छा कोई सॉन्ग कोई शायरी आप सुनाना चाहते हो? मैं चाहूँगा कुछ ना कुछ आप कोई भी सॉन्ग या शायरी कोई सुनाए आप। नहीं सर आप नहीं सर कोई नहीं सर, आपकी शक्ल से तो लगता है काफ़ी शेर वगैरह सॉन्ग सुनगाते हैं आप, तो सुनाओ कुछ सच में। हाँ जी सर आप आइए, आइए कैमरामैन साहब थोड़ा सा आगे आइए आप। हाँ जी सर आप, आपसे सुनना है मेरे को कोई। हमने क्या सुना ना सर, हम कोई शेर कोई, हाँ चलो जो हमारा देश का पैट्रियोटिक सॉन्ग है कोई वो सुना दीजिए आप। सर इतना क्या सॉन्ग नहीं मेरे को, कुछ भी कोई कुछ भी, कभी गाने नहीं सुना आपने, टीवी भी नहीं देखा? सुनता हूँ मेरे को सॉन्ग, तो थोड़ा सा गुनगुना दीजिए, बहुत है हमारे लिए। नहीं सर मैं तो गाना नहीं। सर देखो इतनी टफ ड्यूटी कर रहे हो, थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट भी तो होना चाहिए, कैसे टाइम पास करते हो, टाइम पास कैसे करते हो यहाँ पे ये बताओ पहले। यारे साथ के साथ अपना मतलब शेयर करते, मतलब गप्पे शप्पे चलती है, किस तरह की गप्पे चलती है, जवानी की, स्कूल की, कॉलेज की, कैसी चलती है जवानी का, वो पहले बचपन का, वो उनके साथ शेयर करते हैं जवानी की, कैसे मतलब क्या गर्लफ्रेंड वगैरह बनाई थी या क्या मौसम था? वो नहीं है, मतलब गर्लफ्रेंड था कोई नहीं हमारा, मतलब वो क्या दिन थे, वो जमाना, वो एक हसीना थी, बस वो बचपन की यादें मतलब ताज़ा करते हैं। ऐसा ही करते हैं।
सही है। कोशिश करी थी हमारे भाई लोग जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के यहाँ पे तैनात है, थोड़ा हम उनसे बातचीत करते हैं, हो ना हो कोई ना कोई शायद नहीं कोई ना कोई शायद पहुँचा होगा इनके पास इनसे बातचीत करने के लिए, लेकिन मेरा मन किया कि मैं अपने भाइयों से बात करूं, इसलिए मैं यहाँ पे पहुँचा और उनसे थोड़ा बातचीत की और थोड़ा कहीं ना कहीं कि मैं थोड़ा सा उनको खुशी जो है दे सकूँ थोड़ी बातों से, तो ये अच्छा रहा। तो इस दोस्तों इसी के साथ मैं बोनी आपसे विदा लेता हूँ, जुड़े रहे सच न्यूज़ नेटवर्क के साथ।